This is Professor Amit Nirupar, and I welcome you on behalf of the Dalankar for the subject of cyber law. So, आपको पता है cyber law is one of your electives जो हम ये semester में पढ़ेंगे. First and foremost, again to reiterate, जिन्होंने मेरा session attend किया था of attacks mitigation and laws. And even today I'll be repeating one instruction again that as you are aware, सबसे पहले मतलब आप interactive रहोगे. So please unmute and answer जब भी questions पूछूंगा. क्योंकि interactive रहोगे तो ही मजा आने वाले sessions. दूसरी बात, as you are aware कि we'll be going offline for exams, not for the lectures, but for the exams. And आपका आदत ऑफलाइन पेपर लिखने का 2 साल पहले छूट चुका है, ठीक है, 1.5 साल पहले बोलूं. तो यू नीड टू रियली कोप अप विद द स्पीड, द वे यू आर गोइंग टू राइट, द वे यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर पेपर, एंड फॉर द सेम यू नीड टू हैव अ गुड राइटिंग प्रैक्टिस. मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक, बट साइबर लॉ में बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा. इसके लिए जनरली वॉट आई डू इज, हम लोग नोटबुक में सिर्फ कीपर्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट साइबर लॉ, नॉट अबाउट सिक्योरिटी इन कंप्यूटिंग जो कल है, उसका अप्रोच और इधर मेरा अप्रोच अलग रहने वाला. बट यहाँ पे आप बहुत एंजॉय करोगे क्योंकि आप रियल केस स्टडीज पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा कॉन्सेप्ट. तो अ सेपरेट नोटबुक जिसमें की पॉइंट्स रहेगा, एंड जैसे अपना सब्जेक्ट, जैसे अपना चैप्टर हो जाता है, I'll upload the PPT जिसमें notes भी है, ठीक है, so you can study from that. तो सबसे पहले everyone good evening, I would like to hear from you also. Yes, everyone is here. Good evening, sir. Good evening, good evening. Good evening, sir. Good evening. So चलो on a high note, on a great energy, let's start with our subject. ये subject is a savior. ये सब्जेक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनको प्रोग्रामिंग ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है. इसने ओके, चलो मैंने म्यूट कर दिया जो अनम्यूट था. अच्छा, जिसको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं उसके लिए सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आपका करियर नेटवर्क सिक्योरिटीज एंड लॉज में करना है क्या. क्योंकि सेम यू विल बी हैविंग अ डेमोंस्ट्रेशन ऑन द सब्जेक्ट कॉल्ड एज सिक्योरिटी इन कंप्यूटिंग टुमारो, विच विल बी अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बट साइबर लॉ, कोई मुझे बता पाएगा भाई साइबर मतलब क्या? जैसे मैंने बोला, आई नीड यू हैव टू बी you need to be open, you need to discuss, you need to be vocal, तो ही मजा आने वाला. So फटाफट, cyber मतलब क्या? Things related with technology. Okay. Any other meaning of the word cyber? Just sir, जो internet पे harassment होते हैं और bullying होते हैं, उसको बोलते हैं cyber. Okay, any other definition? Sir, related to computers and something. Related to computers and something, okay. Cyber का मतलब है एक नया era of technology which is generally related to IT, computer science and so on. That is your cyber space. तो cyber laws की जरूरत क्यों पड़ी? साइबर लॉस की जरूरत क्यों पड़ी? इंटरनेट पे भी अभी क्राइम होने लग गए. हाँ, इंटरनेट पे अटैक्स बढ़ने लग गए. इंटरनेट पे 1, 2, 3, 4, 5 बंदों को टारगेट करने लगे, डिफेम करने लगे, तो बंदे कहाँ जाएंगे? उनके मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कहाँ जाएंगे? उनके डेटा को डैमेज कर दिया, वो कहाँ जाएंगे? तो उसी के लिए you have a cyber law.
तो एवरीवन इन योर नोटबुक, जैसे मैंने बोला कि सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो, इसमें की पॉइंट्स लिखेंगे, चैप्टर ओवर स्लाइड आपके पास, आपके स्टर्ड इज में आपको मिल जाएगा. सो राइट डाउन यूनिट नंबर 1.1, या यूनिट नंबर 1, पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट. यूनिट नंबर 1.1, पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट Under IT Act 2000. चैप्टर का नाम स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट लिख के ले लो. अच्छा, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको अभी बताऊंगा, आईटी एक्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. ठीक है, इट इज द एक्ट फॉर साइबर क्रिमिनल्स. तो कैन एनीवन टेल मी ये इमेज आपको क्या बता रहा है? हैकिंग. ओके, अननोन पर्सन. ओके, कैन आई से रादर देन यूजिंग अ वर्ड हैकिंग, कैन आई से हैकर? हां सर, हैकर्स. हैकर, क्योंकि ये अपने को दिख नहीं रहा है कौन है ये, क्योंकि ये जो चोरी हो रहा है ना वो रिमोटली कोई दूसरे जगह से हो रहा है. इसके लिए जनरली हैकर्स अब फेस ऐसे डिनोट करते हैं. सो दिस आर योर साइबर क्रिमिनल्स, दिस आर योर हैकर्स. तो साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? साइबर क्रिमिनल्स वो होते हैं जिनको अपने माइंड में एक किसी को डिस्ट्रॉय करने का एम होता है, पॉसिबली फेमस होने के लिए, खुद का नॉलेज शो ऑफ करने के लिए, या किसी से रिवेंज लेने की. तो साइबर क्रिमिनल्स का मेजर इंटेंशन होता है इधर शो ऑफ देयर नॉलेज, सेकेंडली किसी को डिस्ट्रॉय करना एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज, या इट इज अ टाइम पास एक्टिविटी. इसीलिए आप अगर जाके देखोगे तो आपका जो हैकिंग है ना, हैकिंग वो एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है एथिकल हैकिंग और एक होता है इलीगल हैकिंग. नाउ यू टेल मी एथिकल हैकिंग मतलब क्या? मतलब तुम साला चोरी करो और चोरी लीगल है और बाकी कोई चोरी करेगा तो वो इलीगल है. गवर्नमेंट के अंदर होता है एथिकल हैकिंग. मतलब क्या ये ऐसा अप्रोच क्यों? एथिकल हैकिंग मींस ब्रिंग इट विद परमिशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सर जो बता के करते हैं हैकिंग उसको हैकर्स एथिकल हैकिंग बोलते हैं. बताकर करते मतलब ये तो वही कहानी हुई ना, टोड़ा कुत्ता टॉमी, सादा कुत्ता कुत्ता, वही कहानी हुई है. मतलब तुम करोगे तो एथिकल, मैं करूं तो वो इलीगल. ऐसे कैसे? टेस्टिंग के लिए होता है कि सामने वाले का अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है, उन सब चीजों. वेरी गुड, परफेक्ट. ये एथिकल हैकिंग के दो पर्पजेस है. एक, अपना नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, सिक्योर है, डिफेंस कितना अच्छा है, ये टेस्ट करने के लिए हम हैकिंग करते हैं. या साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हम हैकिंग करते हैं अंडर द साइबर लॉ. तो अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड अ क्रैकर. तो हैकर मतलब क्या?
जो तुम्हारे सर जो मशीन के अंदर हैक करता है, हैक मतलब क्या, जो तुम्हारे सिस्टम का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। यस सर। नाउ ऑल हैकर्स आर नॉट साइबर क्रिमिनल, ऑल हैकर्स आर नॉट साइबर क्रिमिनल, बट क्रैकर्स जो होते हैं ना, क्रैकर्स, यस सर, दे आर साइबर क्रिमिनल्स, दे आर साइबर क्रिमिनल्स, क्योंकि उनका एक वजूद होता है इंटेंशनली तुम्हारे सिस्टम को डैमेज पहुंचाना, तो दे आर योर क्रैकर्स। सो ऑल हैकर्स आर नॉट क्रिमिनल्स, बट ऑल क्रैकर्स आर योर साइबर क्रिमिनल। और हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग का मतलब समझा ना? यस सर। मेरे को बोलो, आप लोग कपिल शर्मा देखते रहोगे बाद में, आप वो कौन जो सबसे अच्छा होस्टिंग करता है, क्या नाम है उसका, पॉल, मनीष पॉल। ये जब कोई एक्ट्रेस आती है तो कितने तारीफ के पुल, मतलब कपिल तो ओपन फ्लड करता है व्हेन इट कम्स टू दीपिका, बहुत बार बताया रहेगा ना, आपको पता है ना ये। यस सर। ठीक है, पर जितने भी गेस्ट उसके पास आते हैं, कोई कपिल पे नाराज होके बाहर जाता है क्या, या कोई मनीष पॉल पे नाराज होके बाहर जाता है क्या? नहीं। ठीक है, पर वही चीज अगर कोई अननोन पर्सन राह में चलते ऐसे एक्ट्रेस के साथ करेगा, तो मेरे को बोलो क्या तुम्हारे एक्ट्रेस ये सहन करके लेंगे क्या? नहीं। तो ये जो राह चलते होता है ना, वो होता है लर्निंग। और ये जो शोज में होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एथिकल फ्लर्टिंग। समझ रहे आपको डिफरेंस? Yes, हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग में क्या फर्क है? यस सर। ठीक है, अगर चोर आता है, तुम्हारा ताला तोड़ देता है, घर घुस जाता है, वो चोरी है। पर अगर दया तुम्हारा दरवाजा तोड़ता है तो वो चोरी नहीं है, क्योंकि ही हैज राइट्स टू डू दैट बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी विच दे आर वर्किंग, एग्जैक्टली, विच दे आर वर्किंग अंडर लॉज। समझ गए आपको? यस यस सर। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्राइम्स इन मिलेनियम। अभी क्या है ना, एक्चुअली अच्छे अच्छे क्राइम्स आपको बताने के लिए अभी है, क्राइम्स अच्छे होते नहीं है, बट देन एटलीस्ट यू कैन रिलेट। पर मुंबई यूनिवर्सिटी है, बाबा आदम के जमाने के क्राइम्स आपको बताया जा रहे हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। पासवर्ड ट्रैफिकिंग, नाउ व्हाट इज अ पासवर्ड ट्रैफिकिंग? किसी कंपनी का डेटाबेस चोरी करना और उस कंपनी के डेटाबेस के अंदर सब यूजर्स और उसका पासवर्ड अपने पास लेना। मेरे को बोलो, आज के जमाने में कोई पासवर्ड पे काम करता है क्या? रे नो सर। आज तो हम लोग, आज इतना एडवांस हो गया है, वी अपने को सिस्टम बोला भाई तू पासवर्ड भी याद मत रख, नहीं तो ना तू पासवर्ड भूल जाते, मेरे को ही तकलीफ देता है बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक फॉरगॉट पासवर्ड। तू बिल्कुल टेंशन मत ले भाई, मैं तेरे को ओटीपी दे दूंगा। तो मेरे को बोलो, ये ओटीपी जो होता है वन टाइम पासवर्ड, ये किधर स्टोर होता है क्या? नो नहीं, जावा में एक रैंडम फंक्शन लिखो और वो रैंडम नंबर जनरेट करते जाएगा जब जब आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे। पर चलो ठीक है, ये क्राइम्स इन दिस मिलेनियम बताया तो लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, सेकेंड अगर आप देखोगे, कॉपीराइट, प्राइवेसी, पायरसी, कुछ रखा ही नहीं है चोर लोगों ने। मन में आया मेरा डेटा जो सिर्फ मेरे पास होना चाहिए उसको चोरी कर लिया, मेरा प्राइवेसी गया। मेरा डेटा जो मैं सिर्फ कुछ लोगों को दूंगा, वो लोगों को तो मिला, उसके अलावा बाहर वालों को भी मिला, तो इट इज पायरसी, क्योंकि मेरे डेटा का इलीगल कॉपी बना के बांट दिया। अगेन विच इज नॉट नीडेड। नाउ दूर से देखा तो गुलाब का फूल, ऐसी कहानी है, दूर से देखा तो लगा एडिडास, पास गया तो आया एबिडास। आप अगर जाओगे स्टेशन के बाहर, आपको वैरायटी मिलेगा, नाइके के बदले नाइक लिखा है, उनके बदले उमा लिखा है,
So what I'm trying to tell you is, this is called as trademark counterfeiting. Now counterfeiting सिर्फ trademark लोगों का नहीं होता है, आपको तो पता है रे, अभी ये demonetization के वजह से इधर तो वो थोड़ा रुक गया, नहीं तो आप अगर देख रहे हो नकली नोटों का तो बाजार लग चुका था. Yes, sir. And it was not that easy for us to identify कि वो नोट नकली है कि नहीं. साला मैंने नोट ले लिया, बैंक में जाता है तो बैंक वाला बोलता है साहब ये नोट नकली है, और मैंने जिससे लिया वो गुल हो गया. तो दिस इज कॉल्ड एज काउंटरफिट मनी एंड डेटा ब्रिच. नाउ व्हाट इज डेटा ब्रिच? डेटा ब्रिच का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे मशीन में घुसूंगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल डेटा मेरे पास लेके आऊंगा, जिसके वजह से मेरे पास तुम्हारा प्राइवेट डेटा मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा ब्रिच. तो ये सर वो लीगली होगा या इलीगली होगा? इलीगल ना, इलीगल ना. अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर अभी आपको पता रहेगा नहीं पता नहीं, मैंने एक ट्रोजन लिखा, ट्रोजन. यस सर. ट्रोजन मैंने तुम्हारे मशीन में प्लांट किया, और उस मशीन में मैंने क्या लिखा है, एंड दैट ट्रोजन एक्ट्स एज अ ज़ॉम्बी. आपको ज़ॉम्बी का मतलब पता है ना? गो गोवा गॉन. यस सर, यस सर. देखिए ज़ॉम्बी का मतलब क्या, इट विल एक्ट एज पर द मास्टर. तो मैं जब बोलूंगा डी ड्राइव के अंदर XYZ फोल्डर के अंदर ABC नाम का फाइल को पढ़ और मेरे को बता उस फाइल में क्या लिखा है, मेरे को बोलो, मेरे को घर बैठे बैठे तुम्हारा ABC का पूरा कंटेंट मिल गया. Yes, sir. क्या yes, आपको sir. समझा कि आपके मशीन में ये हो रहा है? नो, दिस इज कॉल्ड एज डेटा ब्रीच. आपको पता है, आपको ये आइडिया आपको पता है क्या? मेरे को नहीं पता मालूम. मैंने वेस्ट साइड, ये आपने नाम सुना रहेगा, मैंने चलो पैंतालून में ना शॉपिंग किया, नेक्स्ट डे मेरे को लाइफस्टाइल से कॉल आता है, मैं सोचूं मैं पैंतालून में गया था, पैंतालून से कॉल आया तो ठीक, मेरे को सला लाइफस्टाइल से कॉल आया, मैंने लाइफस्टाइल में जिंदगी में कभी शॉपिंग नहीं की. तो जब मैं उनको पूछता हूँ भाई मेरा नंबर कहां से मिला था, उनके पास जवाब नहीं होता है. अभी जब मुझे जब मेरे कार का इंश्योरेंस रिन्यू करना है ना, मुझे 10,000 कंपनी को कॉल आता है, समझ में ही नहीं आता है मेरा डेटा गया कैसे. तो फिर मैंने एक बार मेरे दोस्त को पूछा जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, बोलते हैं भाई ऐसा नहीं होता है, हम डेटा खरीदते हैं. बोलो तुमको डेटा देता कौन है? तो बोलते हैं जिधर तुमने तुम्हारा डेटा दे के रखा है उधर से हम डेटा 10-10 रुपए में खरीदते हैं. So this is nothing but a data breach. And this is highly illegal. एक सेकेंड ना. Yeah, sorry. So where were we? हाँ, तो ये हुआ डेटा ब्रिज. अभी क्राइम्स ऑफ द मिलियन हम थोड़ा बाजू में रखते हैं. देर वॉज दिस अटैक नोन एज डार्केस्ट नाइट. आपको आपको ये डार्केस्ट नाइट छोड़ो ना, आपको पता है अभी बीच में अचानक से व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम बंद. Yes, sir. अचानक से यूट्यूब बंद. आपको पता है इस अटैक, आपको यह भी याद रहेगा लॉकडाउन में समवेयर इन जून या जुलाई अचानक से पावर कट हो गया था मुंबई में. यस यस सर. 45 मिनट्स तक. यस सर. एंड सपोजिटली उसको नाम दिया गया है कि इट इज एन साइबर अटैक. तो क्या आपको ये टर्म्स क्या आपको पता है? आई एम यूजिंग एयरटेल. आई एम राइट नाउ इन माई ऑफिस इन विद्यालंकर कॉलेज. सो लास्ट वीक सडनली 3 to 5 एयरटेल बंद. एंड एयरटेल से बंद हुआ मेरे एरिया में, मेरे घर वालों का एयरटेल, मेरे घर पे जितने भी लोग थे सबका एयरटेल चल रहा, मेरा एयरटेल बंद. आपको पता है ऐसे ऐसे कंडीशन को व्हाट इज द टर्म इन द इंग्लिश? आपको पता रहेगा, आपने पढ़ा भी रहेगा. एनीवन अनम्यूट एन आंसर. एनीवन कैन अनम्यूट एन आंसर.
Please repeat your question. My question is, when your service provider comes to a situation where everything is blacked out, nothing is working, उसको क्या कहते हैं उस अटैक को या उस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं? Thought about this term? I'm not sure, but it is related to denial of service. Partially right, that attack is okay, denial of service, but then it is called as outage. No, sir, no. Now, what is outage? Blackout. Tab net pe na, aap net pe dalo. Outage dalo, aapko na immediately milega. Outage ka matlab. Matlab, maine outage ka matlab bata hi diya aapko. तो क्या हुआ था अभी इंडिया में अमेजोन याहू ईबे बहुत लेट है बहुत लेट पर 2000 मतलब 21 साल पहले फेब्रुवरी 5, 7, 8 साइबर क्राइम क्रिमिनल ने ये सब वेबसाइट को डाउन कर दिया था कई घंटों तक. और मेरे को एक बात बता रहे, चलो अभी आप ही मुझे आंसर दोगे, अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, अचानक से अमेजोन बंद हुआ, आप क्या करोगे? सच्ची आंसर दो, अनम्यूट करके आंसर दो. ट्राई टू रिफ्रेश आफ्टर. नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे आप? शॉपिंग ही नहीं करेंगे सर. शॉपिंग ही नहीं करोगे, विल इट बी द सॉल्यूशन? नहीं, दूसरे ऐप पे चले जाएंगे. एग्जैक्टली, किसका नुकसान हुआ? अमेजोन का. समझ रहे हैं, अमेजोन एक मिनट भी बंद रहेगा तो कितना उसको नुकसान हो रहा है? 3 days तो और नुकसान. समझ रहे हैं ना आपको? यस सर. तो एनी सर्विसेज लाइक अमेजोन जो कस्टमर सेंट्रिक है, जिन कंटिन्यूस कस्टमर यूज करते, मेरे को बोला एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैन आई से एट लीस्ट 10 लाख लोग यूट्यूब यूज करते रहेंगे, क्योंकि अभी वो घर पे जाने के लिए ऑफिस से ट्रेवल कर रहे हैं और कुछ ना कुछ यूट्यूब पे चल रहा है. Yes, yes, sir. एक मिनट यूट्यूब बंद, सब परेशान हो जाएंगे. Yes. अरे हालत ऐसी लोगों की, जिस दिन रात को इंस्टाग्राम बंद हुआ उस दिन ऐसे ऐसे लोग है जो पागल हो गए थे, क्योंकि आजकल पता है ना आपको ये क्रिएटर्स इंस्टाग्राम यूट्यूब ये जो व्लॉग्स बनाते हैं उनका ब्रेड एंड बटर हो चुका है. तो अगर एक मिनट के लिए भी बंद, मतलब व्यूज गए तो कहानी खत्म है. तो डार्केस्ट नाइट अटैक कभी भी नहीं होना चाहिए. चलो अभी डाउन हुआ और 10 मिनट में आया फिर भी समझता है, बट डाउन हुआ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे तक अगर आपका सर्विस आप वापस रिटर्न नहीं कर पा रहे हो ना, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम. ठीक है, फिर अलग अलग टाइप के वायरस है. ये वायरस सबसे फेमस हो गया था. नाम क्या है वायरस का? आई लव यू वायरस का नाम ही आई लव यू. और इसका काम क्या था पता है? इसका काम क्या था? मशीन्स में जाना और डैमेज करना. 2 घंटे में मिलियंस ऑफ मशीन बंद हुए, जिसके वजह से समवेयर इन द ईयर 2000 यूएस फेस्ट, ओनली यूएस फेस्ट $10 billion का नुकसान उस जमाने में. देन देयर वाज अ वायरस नोन एज मेलिसा वायरस जो 1999 में आया. वो वायरस सिर्फ ईमेल सिस्टम को हैक करता था और ईमेल सिस्टम को ब्लॉक करता था. फिर एक आया, आपको पता है पहले जो आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जाते थे उस पे ना इधर ऐसा चिप नहीं रहता था. यस सर. आपको क्या करना था? आपको सिर्फ कार्ड उस मशीन में डालना है, स्वाइप करना है. ठीक है, डालना नहीं, सिर्फ स्वाइप करना है, पासवर्ड भी नहीं, और कहानी खत्म. ठीक है, तो December 1999 में एक म्यूजिक रिटेलर था सीडी यूनिवर्स नाम का,
यूएस में कितने क्रेडिट कार्ड नंबर्स उससे फेच किए, 3 लाख. मतलब उसने 3 लाख क्रेडिट कार्ड में से अगर 2-2 रुपया भी निकाला तो उसने घर बैठे कितना कमाया, 6 लाख डॉलर्स. समझ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? यस सर. ठीक है, सो दिस वर द सम काइंड ऑफ अटैक्स ऑफ द मिलेनियल्स. अभी थोड़ा हम इंडिया के बारे में बात करते हैं. एक पाकिस्तानी ग्रुप है, ठीक है, जी हैक, जी हैक, उसने अपने 40 इंडियन वेबसाइट्स को डिफीट किया था. और एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है डॉक्टर न्यूकर. उसने क्या किया था, उसने इंडियन पार्लियामेंट, अहमदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन इंडिया, इसके वेबसाइट को हैक किया. और एक ग्रुप था नाइटमैन बोल के, वो किसका ग्रुप था अभी तक पता नहीं चला. ठीक है, द हैक द वेबसाइट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वेबसाइट सेटअप बाय द इंडियन कंपनी. मतलब सिर्फ उसने इंडियन गवर्नमेंट, क्या इंडिया के वेबसाइट हैक नहीं किए, इंडियन लोगों ने जो जो वेबसाइट बनाए थे जितने भी लोगों के लिए दुनिया में, वो वेबसाइट को भी हैक किया. समझ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सो वी आर नॉट ओनली फोकसिंग अपॉन द फॉरेन इंटरनेशनल अटैक्स. और ये सब छोड़ो, इतना पैसा खर्च किया फिर भी सक्सेस जीरो. ठीक है, अराउंड 15,330 crores इज स्पेंट ऑन इंटरनेट सिक्योरिटी समवेयर इन 2000-2001. फिर भी अटैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई. समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूं? एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस सर. एंड हेंस लाना पड़ा एक आईटी एक्ट, विच वाज आईटी एक्ट 2000. Did you understand how the journey came from cyber criminals, crackers, hacking, ethical hacking, came down to what? The different attacks and then the need of the IT Act. अभी तक easy लगा या bouncer गया? Easy लगा. Interesting है sir. Trust me, this is far more interesting than the other elective. क्योंकि other elective मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है. So I should not say in that way. But then the fact is, it is very interesting और बहुत मजा आता है. पर textbook पढ़ने बैठोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा. इसके लिए मैं आपको key points notebook में लिख के दूंगा और chapter हो गया कि आपके पास क्या आ जाएगा? Notes. ये? नोट्स, पीपीटी. अभी सेक्शन 80 जो आईटी एक्ट 2000 का है, अभी उस पर क्वेश्चन मार्क आया. ये एग्जाम में हर वो क्वेश्चन आता है, इट इज अ वेपन और अ फार्स. मतलब वेपन और अ फार्स का क्या मतलब है? क्या वो मेरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वेपन है या वो किसी को फालतू में अटकाने के लिए फांसी है? तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट विद फ्यू एग्जांपल्स. साइबर लॉज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये पार्लियामेंट में पास हुआ था 9 जून 2000 में. अभी सेक्शन 80, आपने देखा रहेगा कि बहुत बार कोर्ट केसेस जो मूवीज में चलते हैं वहां पे वो बताते हैं कि आपको इस सेक्शन के अंडर ये 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 पनिशमेंट मिलता है, वैसा आईटी एक्ट के अंदर है सेक्शन 80.
और उधर क्लियरली लिखा है हर एक साइबर क्राइम के लिए ये लॉ नहीं चलेगा. मतलब आपको किसी ने ईमेल से थ्रेटनिंग डेटा भेजा, ये एक्ट उसके लिए नहीं है, उसके लिए कुछ अलग एक्ट है, वो हम लोग देखते हैं. इसके लिए हम लोग कहते हैं भाई एपी जो है वो सब ऐसे केसेस के लिए काम नहीं करेगा. अच्छा, ये बंदा कहां पे बैठा है बताओ? साइबर कैफे. आजकल साइबर कैफे आपको पता है दे आर डेड, बट एक जमाना था जहां साइबर कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती. ये बंदे ने क्या किया है, ठीक है, उसका नाम है ए. उसने एक डिफेंस मिनिस्ट्री का एक सिस्टम हैक किया. डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो दिल्ली में, उसका सिस्टम हैक किया. तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट पनिश्ड अंडर सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट. और वो बैठा किधर है? साइबर कैफे मुंबई में. साइबर कैफे मुंबई में. अटैक किधर किया है? दिल्ली. अभी ना देर इज अ क्वेश्चन, ये केस किसके अंडर फाइल होगा, मुंबई के पास या दिल्ली के पास? दिल्ली. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर वो दिल्ली में केस फाइल करेगा तो कौन से पुलिस एक्शन में आएंगे? दिल्ली के. और दिल्ली के पुलिस एक्शन में आएंगे तो मुंबई को, मुंबई से क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाएंगे. तो अभी अभी देर इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, वो बताता हूं आगे. पर यहां पे ना 80 में एक रूल है, सेक्शन 80 जो है ना उसमें एक रूल है. क्या रूल है भाई सेक्शन 80 में? क्या रूल है? पुलिस मुंबई का, दिल्ली का नहीं, विदाउट वारंट. आपको पता है ना बहुत बार पिक्चर में होता है वारंट है क्या तुम्हारे पास घर की तलाशी लेने के लिए, नहीं है तो भाग जा. तो इधर वारंट के बिना पुलिस तुमको पकड़ सकता है. वारंट के बिना पुलिस तुमको पकड़ सकता है प्रोवाइडेड तुमको उसी जगह पे ये पाप करते वक्त पुलिस ने देखा है. अगर तुम ये पाप करके साइबर कैफे से निकल गए तो भाई यू आर फ्री बर्ड. क्यों पता है? क्योंकि सेक्शन 80 कहता है कि तुम सिर्फ पब्लिक प्लेस में या साइबर कैफे में उसको विदाउट वारंट पकड़ सकते हो. नहीं तो प्रूफ लगाओ, वारंट निकालो. तब तक ये बंदा पहुंच गया कोलकाता, तब तक ये बंदा पहुंच गया यूएस. तो मेरे को बोलो तुम इसको पकड़ पाओगे क्या? नहीं. नो सर. नो सर. ठीक है, वो बंदा अभी अपने घर बैठा है, घर बैठा है वो. देखो उसको पकड़ने के लिए आया, अलाउड इच नहीं है. मेरा पिक्चर, आपको पिक्चर देखोगे ना पिक्चर से ही पूरा आंसर आपको मिल जाएगा. अलाउड हिच नहीं है. क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि सेक्शन 80 कहता है भाई तुम उसको घर से नहीं पकड़ सकते विदाउट वारंट. वारंट लेके आओ कि इसने चोरी की, और वारंट तुमको लगता है अपना इतना फास्ट से बनेगा? बिल्कुल नहीं. प्रूफ्स लगेंगे. ठीक है, सो इट इज क्लियर इन सेक्शन 80 ऑफ आईटी एक्ट 2000 कि आप उसको विदाउट वारंट पब्लिक प्लेस से पकड़ सकते हो या उस प्लेस से पकड़ सकते हो जहां पे उसने गुनाह किया है. प्राइवेट प्लेस में आप उसको पकड़ नहीं सकते. मतलब कहने से वो तो छूट जाएगा. यस सर. ठीक है, सो क्रिमिनल भाग गया. अगर वो भाग गया
तो मेरे को बोलो कौन सा तुम्हारा ऐसा सेक्शन 80 दमदार है वे कि तुम एक सादा हैकर को जो उस बेचारे पुलिस को दिख रहा है फिर भी नहीं पकड़ सक रहे हो. बट दे आर बाउंडेड विथ सम रूल्स एंड लॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सर हाँ, अगर वो अपने प्राइवेट प्लेस मतलब घर से अगर वो कर रहा है हैकिंग, हाँ, तो उनके पास तो प्रूफ तो रहेगा ना. अगर वो घर से हैकिंग कर रहा है या घर से अटैक कर रहा है, हाँ, वो अटैक करते वक्त अगर पुलिस ने देखा तो उसको वो पकड़ सकते हैं. वक्त वो अटैक करते वक्त, हाँ, अटैक हो जाने के बाद अगर पुलिस ने उसको घर पे पकड़ने की भी कोशिश की बिकॉज इट इज अ प्लेस वेयर फ्रॉम ही लॉन्च्ड एन अटैक, स्टिल उसको पकड़ नहीं सकते. उसको पकड़ना है तो तुम वहां पे वो जब अटैक लॉन्च कर रहा है तभी अगर आप वहां पे प्रेजेंट हो तो ही आप पकड़ सकते. ओके सर, गॉट इट. So, further, the crime is divided into two parts, cognizable and non-cognizable. Now, diagram देख के आपको पता चलेगा cognizable मतलब क्या. कोई तो अनम्यूट करके बताओ, बिना पढ़े सिर्फ फोटो देख के cognizable मतलब क्या, non-cognizable मतलब क्या. सर, cognizable मतलब physically harm. किसी को बुली करना. नॉन बड़े क्राइम्स मतलब? रहते हैं जिनके लिए लंबी सजा रहती है वो सारे कॉग्निजिबल है और एल्स नॉन कॉग्निजिबल. मर्डर, रेप, किडनैपिंग. बड़े क्राइम्स मतलब कौन से क्राइम्स पता है आपको मैडम? बड़े क्राइम्स मतलब ऐसे क्राइम जहां आप किसी के लाइफ को आप फिजिकली डैमेज करते हैं. किसी के लाइफ को, आपका मोबाइल चोरी करने के लिए उस बंदे ने आपको मारा, आपको बहुत लग गया, तो वो कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा. और आपका मोबाइल भी चोरी करके लेके गया तो उसके ऊपर नॉन कॉग्निजिबल क्राइम भी लगेगा. पर आपका मोबाइल चोरी कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, आपको किधर फिजिकली डैमेज भी नहीं हुआ, इट इज अ क्राइम बट इट इज कॉल्ड एज नॉन कॉग्निजिबल क्राइम. समझा क्या आपको? सर प्लीज रिपीट वंस. कॉग्निजिबल मतलब जहां पे आपको फिजिकल हानि पहुंचती है, आपको कोई फिजिकली मारता है, वो कॉग्निजिबल हुआ. ठीक है, नॉन कॉग्निजिबल में जहां पे आपको फिजिकली कोई हानि पहुंचती नहीं है पर गाली गलौज होता है, चोरी होती है, चीटिंग होती है, उसको हम नॉन कॉग्निजिबल क्राइम कहेंगे. अभी समझा? Yes, sir. Can you tell me which is a more serious cognizable crime? Cognizable crime comes under Criminal Procedure Code 154 and non-cognizable comes under 155. ठीक है, cognizable में police directly FIR कर सकता है, सीधा FIR against that person. नॉन cognizable में आप सिर्फ कंप्लेंट कर सकते हो, फिर आपका जो पुलिस है ना वो चार्जशीट भरेगा. एंड अगर वो बंदा गिल्टी फाउंड हुआ तो उसको हम अरेस्ट करेंगे. बट इधर FIR एंड इमीडिएट अरेस्ट उसके बाद आगे का काम.
समझ रहे आपको कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल में क्या फर्क है? यस सर। ठीक है, सो आई बिलीव आपको कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में डिफरेंस क्लियरली समझा है। कॉग्निजिबल में वारंट नहीं लगता है, नॉन कॉग्निजिबल में वारंट लगता। समझा क्या? यस सर। ओके, अच्छा अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, इट इज नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट फ्रॉम एनी प्लेस पब्लिक और अदरवाइज। सो जो एक रेस्ट्रिक्शन था, कौन सा रेस्ट्रिक्शन था? कि प्राइवेट प्लेस, हाँ, पब्लिक प्लेस से अरेस्ट नहीं कर सकते हो, वो इधर लिखा है देखो, स्क्रैप करने के लिए बोला। सो ये रिमूव करने की जरूरत है, पर मेरे को बात बताओ, अगर ये स्क्रैप किया तो भी एक प्रॉब्लम होगा। कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम होगा? देखते हैं किसके दिमाग की बत्ती जलती है। ये आइडिया ये जो है ना, ये स्क्रैप कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है बताओ? पब्लिक प्लेस वाला स्क्रैप कर दिए, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर समझा नहीं, स्क्रैप मतलब क्या? स्क्रैप मतलब वो रूल निकाल दिया कि तुम पब्लिक प्लेस से उसको प्राइवेट प्लेस से पकड़ नहीं सकते। अगर रूल निकाल दिया और बोला कि भाई तुम जहां जाओ किधर भी जाके उसको पकड़ के ले जाओ, तो ऐसे केस में क्या होगा? डर। क्या क्या डिसएडवांटेज है? अगर मैं बोलता हूं तुम क्रिमिनल को किधर से भी ढूंढ के ला, पुलिस कैन टेक डिसएडवांटेज। यस परफेक्ट। क्या डिसएडवांटेज? मतलब अगर क्रिमिनल सच्चा क्रिमिनल नहीं मिले तो किसी को भी उठा। एग्जैक्टली, हु इज दिस? किसने बताया? यश गाड़ियाकर। यश एकदम परफेक्ट, एकदम मच परफेक्ट। इससे क्या होगा पता है? पुलिस या कोई भी बंदा अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई मासूम को भी पकड़ के ला सकता है। ठीक है, दैट इज नोन एज अरबाइटरी अरेस्ट या अरबाइटरी डिटेंशन। पर हां, ये रूल सिर्फ किसको दिया गया है पता है? डीएसपी, नॉट बिलो डीएसपी। डीएसपी और उसके ऊपर के जो हाई रैंक ऑफिसर्स है उनको ही दिया गया है कि जाओ कहीं से भी पकड़ के आओ। पर जैसे यश ने बोला, इनोसेंट भी कभी कभी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। आप सब लोगों ने वो प्राइम पे एक नया मूवी आया वो देखा है क्या? साउथ इंडियन मूवी डब्ड इनटू हिंदी। यस सर, देखे हैं। मैं वही अभी ढूंढ रहा था उसका नाम क्या। ठीक है, कौन सा मूवी है वो? इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? देखा रहेगा आप लोगों ने सर? जय भीम। कौन सा? जय भीम। एग्जैक्टली वही मूवी, जय भीम। उसमें आप देखो, उसमें बताया है कि जो इनोसेंट है उसने भी सजा काटी क्योंकि उनके पास कुछ राइट्स ही नहीं थे बताने बोलने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट साइबर क्राइम विच आर नॉट कवर्ड अंडर आईटी एक्ट एंड देन सुटेबल अमेंडमेंट शुड बी कैरिड आउट इन द लॉ। ठीक है, एंड इसी के वजह से अरेस्ट डायरेक्टली करने देना है कि नहीं देना है, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क ही है। पर अभी आप यहां पे जैसे लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। अरेस्ट फॉर अबाउट टू कमिट, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अरेस्ट कहां से कर सकते हो? जिस प्लेस से उसने अटैक किया है लॉन्च, या आप देख रहे हो वो अटैक कर रहा है, बट आपको जैसे पता चला ही इज अबाउट टू गोइंग टू
commit about to going to commit, आप उस पर एक्शन ले सकते हो. तो इसमें आपको पता है, इसमें आपको पता है अपने भगत सिंह मूवी देखिए क्या, अजय देवगन वाली नहीं देखी देगी, पर उसमें एक डायलॉग लिखा था कि, और अब भगत सिंह छोड़ो ना, भगत सिंह की मूवी छोड़ो आप, अब वेडनेसडे मूवी देखिए नसीरुद्दीन शाह एंड अनुपम. यस सर. नो सर. उसमें नसीरुद्दीन शाह एक डायलॉग मारता है कि यू सर्च एंड यू गेट थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट जो आपको बताते कि बॉम्ब कैसे बनाना है एंड ब्ला ब्ला. ये डायलॉग है वेडनेसडे में, आपको याद रहेगा, नसीरुद्दीन शाह ने दिया है. यस सर. तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक जेन्यूनली लॉ का स्टूडेंट हूं और मैं कोई क्रिमिनल केस नेट पे सर्च कर रहा हूं, वो सेंसिटिव केस है. ऐसा भी हो सकता है किसी ने मेरे पे नजर रखी हो और मैं जेन्यूनली वो केस सर्च करता हूं. लोग आते हैं मेरे को पकड़ के लेके जाते हैं, उनको लगता है मैं अटैक करने वाला हूं. सो अगेन अरेस्ट फॉर अबाउट टू कमिट. I am not about to commit an attack. I am about to understand what and how that attack was. पर उनको मेरे पे डाउट आ जाता है. समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं? Yes, sir. So, again, this is a big question mark which comes under section 66. फिर ना एक बहुत ही ग्रीक में एक राजा था, ड्रैको. ठीक है, ड्रैको वॉज वेरी फेमस फॉर, मतलब ही यूज टू सपोर्ट ऑल द रिच पीपल. ही यूज टू सपोर्ट ऑल द रिच पीपल. जो एकदम ही पैसे वाले थे ना, उनको वो सपोर्ट करता, और जो गरीब जनता थी ना, उनको पनिशमेंट देता. और उसका पनिशमेंट क्या होता था पता है? सीधा डेथ पेनल्टी. मतलब वो बेचारा मासूम भी रहेगा ना दोस्तों, तो भी उसको डेथ पेनल्टी मिलता था. ठीक है, यहां पे लिखा है देखो, ड्रैकोज लॉ कोड वॉज लेटर रिकॉर्डेड एज इनटॉलरेबल हार्श, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू पनिशिंग ट्रिवियल क्राइम्स विद अ डेथ. मतलब सिंपली घर से एक टॉवेल भी चुराया ना बड़े लोगों के घर से, तो उसको फांसी दिया जाता था. तो अभी जो सब एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनको लगा नहीं भाई ये तो गलत है, क्योंकि ड्रैको लॉ वॉज ओनली सपोर्टिंग दोज पीपल हु वेर रिच. तो अल्टीमेटली ये जो ड्रैकोज लॉ है ना, ये क्या कर दिया? बंद. क्या कर दिया? बंद कर दिया. ठीक है, फिर अरेस्ट बट नो पनिशमेंट अंडर आईपीए. मतलब क्या? आप अरेस्ट करो पर उस बंदे को आप टच नहीं कर सकते. वो बोलते ना थर्ड डिग्री. यस सर. ठीक है, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसके पीछे नहीं पड़ सकते, बस आप सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ो, जज और कोर्ट देखेगा उसके साथ क्या करना है. The accused can be arrested under section 80 on three grounds: having committed, about to commit, or commit कर रहा है और तभी आपने पकड़ा. पर आप उसको अरेस्ट कर सकते हो पर पनिशमेंट नहीं दे सकते. समझा क्या आपको? Yes, sir. ठीक है, having committed मतलब hacking या attack हो गया, ऑफ कमिटिंग मतलब वो अटैक कर ही रहा है, एंड अबाउट टू कमिट मतलब वो अटैक कैसे करना है, उस पर कुछ सर्च कर रहा है और आपने उसको पकड़ लिया. ठीक है, इसीलिए इफ एनी इवेंट हैपेंड एंड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और ऑफ कमिटिंग और बीइंग अबाउट टू कमिट, देन इट इज नॉट हार्मफुल विद प्रोविजन एक्ट 2000. मतलब उसको पकड़ा जाएगा
पर उस पर कोई पनिशमेंट पुलिस ले नहीं सकता है. एंड हेंस कुछ ना कुछ तो प्रोविजन आईटी एक्ट में करना जरूरी है, हाँ या ना? यस ठीक है. एंड मेरे को बात बताओ, दिस इज योर 55 पेजेस फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको एकदम सिंपल करके दिया है, क्या आपको समझा या बाउंसर गया? सर समझा, अच्छे से समझा. यस एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव टोल्ड यू? यस सर. ठीक है, ये कंप्लीट होता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1.1. वाज इट इजी एवरीवन? यस सर, इंटरेस्टिंग. ठीक है एवरीवन, आप सब लोग को अच्छे से समझा क्या? यस सर. यस सर. ठीक है, तो आज ना हम आज सिंस फर्स्ट लेक्चर है ना, तो आज हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं. ठीक है, लिखने का काम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर तक आपको स्टोरी भूलना नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा कहानी याद रहेगा ना एवरीवन? यस सर. यस सर. ये नोट्स आपके स्टड इज ऐप पे अपलोड हो जाएंगे यही वीक में. इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है, सो सिंस ये फर्स्ट लेक्चर है तो आई वुड कंक्लूड, बट देन बिफोर कंक्लूडिंग टेल मी, किसी को कुछ भी डाउट है? एनीवन? सर. यस यस माइनो. सर ये जो, हाँ सर, ये जो अबाउट टू कमिट था, इसमें वारंट की जरूरत है या विदाउट वारंट भी हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं? विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप वहां पे हो और वो जो सब कर रहा है ना, सर्च कर रहा है, या वो अबाउट टू कमिट, आपको डाउट है कि अटैक ही करने वाला है, तो आप तभी उसको विदाउट वारंट पकड़ सकते. ओके सर, अंडरस्टूड सर. यस सर. लेकिन ये सब सर्च करना इलीगल है ना सर? इलीगल बोल सकते हो, बट देन मेनी स्टूडेंट्स डू इट फॉर द स्टडी पर्पस. तो अगर कल जाके कोई पूछता भी है ना, तो यू कैन हैव आंसर कि भाई आके देखो हमारा है. वो ऐसे ही आपको कांटेक्ट नहीं करेगा. आपने अगर हर रोज दो दो घंटे के लिए अटैक कैसे करना है ये अगर गूगल पे सर्च किया तो उनको डाउट आएगा. आपने एक ही बार किया और छोड़ दिया, ठीक है, इट इज बेनिफिट ऑफ डाउट कि पॉसिबली यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस. समझा अब है? यस सर. हेलो सर. यस युक्ता, बोल युक्ता. सर वो जो आपने मुझको वो वाला बताया था ना, जब वो मुंबई एंड दिल्ली वाला, हाँ वो वाला मुझे थोड़ा सा ना नहीं समझा. मतलब अभी अटैक मुंबई से वो कर रहा है, वो अटैक दुनिया के कोई भी मशीन पे कर सकता है. हाँ जनरली उसको पकड़ने की जिम्मेदारी होती है उस पुलिस स्टेशन की जहां से वो अटैक कमिट कर रहा है, ना कि जहां पे वो अटैक कमिट उसने किया है. तो वो क्या बोलते हैं, वो पुलिस कहां से पकड़ सकती है उसको, जहां पे उसने किया है कमिट? जहां से किया है, मतलब ही कैन बी अरेस्टेड फ्रॉम मुंबई ओनली. तो आगे जाके देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, वहां आपको और ज्यादा क्लियर होगा. बट अभी जहां से अटैक किया उसी लोकेशन से आप उसको पकड़ सकते. ठीक है सर, समझा. यस डैरिल, एनी डाउट? हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम? डैरिल. डैरिल, एनी डाउट? नो सर, नो. यस सो आई वुड लाइक. हेलो सर. हेलो. हाँ यस डैरिल. यस, ये सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स कुछ रहने वाले हैं, जैसे कि आईटीएसएम और साइबर लॉ का प्रैक्टिकल होता है, एंड्रॉइड प्रोग्राम है. Okay, so you'll be taking that part of Android. Android programming ka I will not be taking, but I'll be giving you the journal for the same. Okay, so yeah. Sir, practical aap conduct nahi karoge? Android programming ka main aapko dene wala hu pura ka pura journal, and again, jaise practical conduct karne ke liye
for Android, at least we need to have a simulator, everyone on the same page. So let me get a confirmation ki tumhara practical hone wala hai ya sirf tumhara viva hone wala hai jaisa last time hua tha. So if it is only based on viva, then hum log us pe focus nahi karenge, but then I'll be giving you the practical hand. Hello sir. Yes, Yukta. सर हम लोग को हमारे कॉलेज में बोले कि अगर आपको साइबर लॉ का एकदम डिटेल में पढ़ना है ना तो यू कैन स्टडी अप फ्रॉम शेख, और अगर आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स टाइप पढ़ना है तो आप टेक मैक्स ले सकते हो, बट मुझे एकदम डीपली पढ़ना है क्योंकि इंटरेस्टिंग है तो फिर शेख. हाँ यू कैन बाय दैट और यू कैन रेफर फ्रॉम द इंटरनेट, बट देन आर पीपीटी वुड बी, मैंने बहुत ही प्रिसाइजली बनाया हुआ है, सो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको और मतलब और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सर आपको पीपीटी पढ़ के पूरा मुखा आ जाता है. हाँ एग्जैक्ट, पूरा का पूरा एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, डोंट वरी. यस सर, थैंक यू. ठीक है ना रोहन, तो देख लेंगे, डोंट वरी, कर लेंगे हम कुछ. So fine, shall we conclude everyone? I just want to hear from everyone. सबको आज का lecture अच्छे से समझा है? Yes everyone. Yes sir. Yes sir. तो कल का lecture भी आप ही लोगों का? हाँ, security computing I am only teaching. सर फिर संजीव दीदी सर कौन सा lecture लेंगे? संजीव सर is taking GIS. What about VN enterprise network? Any idea would be? I think so. संजीव सर ही ले रहे हैं enterprise network. Okay. Rohan, don't worry. आपका syllabus and everything would be covered precisely and properly before your exams. हमको पता है autonomous के पहले हो जाते हैं exams, so don't worry. We'll be covering it precisely. Fine then. Let's meet tomorrow at 4 o'clock for a very interesting subject, security in computing. And next Wednesday, as per schedule, as of now, 6 o'clock for cyber law. Yes. Fine. Let's conclude. I hope you have enjoyed with today's lecture. I would like to see more people joining, your friend joining in the next lecture. Yes. Chalo, let's conclude everyone. Take care, everyone. Yes. I'll be the last person to leave. Kisi ko doubt rahega to ruko, nahi to you can start leaving one by one. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.